हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आप बीयू का ओपन बुक एग्जाम 2020 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे फिर वो आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के या एनसी वेब के, चाहे पीजी के या यूजी के, या कोई भी आप बीयू से प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली थी ना कि 10 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी का ऑफिशियल नोटिस आ गया है जिसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है फिर से बाकी सारी चीज़ें कि आपकी डेट शीट कब आएगी। अगर आप अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, या फिर अभी तक जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल नहीं किया था या जिन्होंने कर दिया था, उनकी भी इन्फॉर्मेशन में कुछ गलतियां थी तो वो उसको अपडेट करना चाहते थे, तो आप उनको किस तरीके से कर पाएंगे, ये सारे डाउट्स आप इस वीडियो में दूर कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया ना तो हो सकता है जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो स्किप हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, बिना स्किप किए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगेन आपको सब्सक्राइब कर लेना है मेरा चैनल अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, और प्रेस कर लेना है बेल आइकन को ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एज यू नो कितनी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंजेस पर आपकी न्यू नोटिस आते जा रहे हैं, तो सबकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस भी करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। क्योंकि नोटिस काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। कुछ पॉइंट्स हम इस वाली वीडियो में देखेंगे और कुछ पॉइंट्स इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे, तो दोनों ही वीडियो आपको देखनी है। तो फटाफट से चलते हैं डीयू की वेबसाइट की तरफ और देखते हैं न्यू नोटिस में आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस हैं। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसको जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो ना तो एग्जामिनेशन वाला जो यहाँ पर है एग्जामिनेशन 2020, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको दी हुई है साइड में नोटिफिकेशन, वैसे नीचे दी होती है क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमें इसी को कर लेना है डाउनलोड। इस पर मैंने क्लिक किया तो क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है ना तो दोबारा से अब ये डाउनलोड हो गया। और देखो ये कब आया है, ये आपका 15 जुलाई 2020 यानी कि आज ही आया है ये दिन में नोटिस। अब इसके एक एक पॉइंट को मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि क्या बोला है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना उसमें ये बोल रहा है कि जो एग्ज़ाम होने हैं आपके, चाहे फिर वो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे एसओएल के हो, एनसी वेब के हो या रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपके जो एग्ज़ाम होने का डिसाइड हुआ है फिर से ओपन बुक एग्ज़ाम, वो 10 अगस्त 2020 से होने का डिसाइड हुआ है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त 2020 तक करा लिए जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और ये मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बता दिया था कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में इन्होंने दिया हुआ है डेट शीट के बारे में कि आपकी डेट शीट कब आएगी। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो जो आपकी डेट शीट है ना वो आ जाएगी डीयू की वेबसाइट पर ही 16 जुलाई तक, यानी कि आपकी आज ही दिन में ये डेट शीट आ जाएगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो जो आपकी डेट शीट है ना वो 22 जुलाई तक आ जाएगी, मतलब 5 दिन बाद आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो जैसे ही डेट शीट आएगी उसके भी बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है कि जो बच्चे ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, चाहे फिर वो सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फिर ऐसा होता है कि कुछ एग्ज़ाम तो दे पा रहे हैं बच्चे, जैसे कि 5-6 एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो आपने 2-3 तो एग्ज़ाम इजीली दे लिए लेकिन आपके 2-3 एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेट का इशू आ गया, सर्वर का इशू आ गया, तो उन बच्चों का क्या होगा यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो ये बोला है कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे चाहे तो वो होली या पार्टली, तो उसमें क्या होगा, इनका एडिशनल एग्ज़ाम कराया जाएगा, एडिशनल फेज़ में इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, जो 10 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आगे कोई एडिशनल फेज़ इनका होगा, जैसे भी डिसाइड होगा उसमें आपको एग्ज़ाम कराया जाएगा। वो ब्लेंडेड मोड में हो सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, जैसे भी UGC की गाइडलाइन होंगी या यूनिवर्सिटी को जो ठीक लगेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये उस तरीके से आपके एग्ज़ाम करा लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स में कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि ये हो सकता है कि आपका जो OBE होगा ना उसके 2 वीक के बाद में ये ऐसा हो जाए, मतलब जैसे अभी आप जो 10 जुलाई से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ना वो तो आप नहीं दे पा रहे हो अभी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके 2 वीक के बाद आपका जो एडिशनल फेस होगा वो करा लिया जाएगा, जिन बच्चों के एग्ज़ाम रह जाएंगे ये लोग तब करा लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी डीयू की वेबसाइट पे, और जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी इससे रिलेटेड अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो आपके 10 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं आप उन्हीं को दो,
फिर इसके थर्ड पॉइंट में बोला है कि उसकी डेटशीट भी अलग से प्रोवाइड कराएंगे, जिन बच्चों के एग्जाम रह जाएंगे तो वो भी पोर्टल पर आपको शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना, इंक्लूडिंग विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, और वो अपियर भी हो रहे हैं ओबीई में, मतलब वो 10 अगस्त से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं लेकिन वो अपने ग्रेड से खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि इसकी वजह से उनके ग्रेड्स कम आ पाए हैं, तो जो एडिशनल फेस होगा ये इनके लिए भी अवेलेबल रहेगा कि वो बाद में फिर से जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना एडिशनल फेस में, जिन बच्चों के नहीं हो पाए एग्ज़ाम उनके साथ ही आप वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे, चाहे उनका एग्ज़ाम ये हो चुका है ओबीई, फिर भी वो दोबारा से दे सकते हैं अगर उनको लगता है उनके मार्क्स कम हैं तो। और इस केस में पता है क्या होगा, जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे चाहे पेपर वन में, मतलब जो अभी आप दोगे 10 अगस्त से, या फिर जो बाद में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उनमें से जो भी एग्ज़ाम में आपके बेस्ट मार्क्स होंगे उनको इंक्लूड करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप बाद वाले दोगे तो कम आए तो कम को इंक्लूड करा जाएगा, नहीं, जो भी आपका बेस्ट मार्क्स होंगे ना उनको इंक्लूड यहाँ पर करा जाएगा। ओके, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम वगैरह में, तो उनके लिए एक अच्छी बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है फोर्थ पॉइंट में कि जो बच्चे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे वो अभी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फिल कर दिए थे ना, वो तो अच्छी बात है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं पोर्टल पर, डैशबोर्ड पर फिर से कि उनके जो पेपर कोड वगैरह हैं या एग्जाम सब्जेक्ट्स वगैरह वो ठीक है या नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं फिल कर पाया था एग्जामिनेशन फॉर्म वो अब कर सकते हैं। इसके लिए आपके पोर्टल को ऑन कर दिया जाएगा 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के बीच में। अगर कोई गलती भी है जिन्होंने पहले कर दिया था ना, और उसमें भी अगर कोई गलती है तो वो बच्चे अभी उसको करेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में जाके, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वगैरह गलत शो हो रहा है वहाँ पे, तो 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप ये कर सकते हो, यहाँ पे पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगेन वही बात बोल रहा है ये कि आपको 21 से लेकर 26 तक कर लेना है ये। द स्टूडेंट शैल बी गिव एनी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यू टू एनी रीजन। अब ऊपर तो बोला था कि आप करेक्ट कर सकते हो जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल नहीं कर रखा है वो क्या करेंगे, उनको जो पोर्टल है 4 दिन का टाइम दिया जाएगा वो फॉर्म फिल करने के लिए, 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। तो जिन्होंने पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया था वो अब कर सकते हैं, और जिन्होंने कर दिया था वो इसको एडिट कर सकते हैं, कोई अगर गलती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कॉलेजेस एंड एनसी वेब हु हैव नॉट सबमिटेड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म आर एडवाइज टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म डायरेक्टली ऑन द पोर्टल। तो आप इस पोर्टल पर जाके कर सकते हो सबमिट, और जो SOL के स्टूडेंट है ना वो अपडेट कर सकते हैं उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म को, कोई उसमें गलती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो सोल की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, और जो एनसी वेब और रेगुलर के स्टूडेंट है वो यहाँ जाके कर सकते हैं। अब जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना आपके, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है ना, फिर आप आधी बात सुनोगे और आधी बात आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं एक ही वीडियो में सारा बता दूंगी। तो मॉक टेस्ट किस तरीके से होगा, फिर अगेन आपका जो अपलोडिंग और आंसर को अपलोड करने का या क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर होगा वो इसके बाद ही, थोड़ी देर बाद ही आपकी सेकंड वीडियो आ जाएगी, उसमें बताऊंगी। एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस नोटिस में अभी तक जो हमने देखा कि आपके एग्जाम जो है 10 अगस्त से 31 अगस्त तक होने हैं, फिर डेटशीट कब अवेलेबल होगी यूजी और पीजी की और प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच्चे अभी नहीं एग्जाम दे पाएंगे वो बाद में दे सकते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा। फिर जो आपकी उनकी डेटशीट होगी, जो बाद वाले बच्चे हैं वो यूजीसी के हिसाब से ये लोग देख लेंगे कब आपकी डेटशीट आनी है। उसके बाद से जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, अगर उनको लगता है कि ये वाले एग्जाम उनके अच्छे नहीं हुए तो जब एडिशनल एग्जाम होंगे वो तब भी दे सकते हैं। जिन दोनों एग्जाम में से जिसमें भी उनके मार्क्स अच्छे आएंगे उन एग्जाम्स को कंसिडर किया जाएगा उनके। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं अगर उनको कुछ करेक्ट करना है तो वो पोर्टल पर जाकर करेक्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो उनके लिए 4 दिन का टाइम इन्होंने दिया हुआ है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो कर लो जाकर। उसके बाद जो अब हम मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि आपको अदर जो इन्फॉर्मेशन है मॉक टेस्ट के अलावा भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो उस वीडियो को भी याद से देख लेना, थोड़ी देर बाद ही इसके आ जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।